आज आपको शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा लाभ मिलेगा और आपकी आर्थिक स्थिति, माली हालत बेहतर होगी। रोजगार के क्षेत्र में यदि व्यापार वगैरह करना चाहते हैं तो आज आपको बड़ा लाभ मिलने की संभावना दिख रही है। भूमि भवन भी खरीद सकते हैं और इस समय जो आपकी संतान होगा, संतान बहुत अच्छा होगा, उसकी प्रगति से मन आपका प्रसन्न रहेगा, तो आपकी खुशियों का माहौल रहेगा घर में। संतान चूँकि अच्छा कर रहा है, फेवरेबल कर रहा है, उसका प्रवेश अच्छा होगा तो इससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। तो जो आज आपका बृहस्पति जो है वो द्वितीय भाव में है और आपको आज क्या करना है, ध्यान रखना है कि जैसे केतु मंगल है तो केतु मंगल वक्री है, तो वक्री मंगल क्या करता है कि आपकी मन स्थिति को खराब करता है, आपके विरोधी सक्रिय होते हैं और आपके जो भी कार्य प्रगति का करते हैं उसमें विरोध की स्थिति उत्पन्न करता है। तो आपको लगता है कि हमारी कार्य क्षमता प्रभावित होती है, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। आज अपने पिता का सहयोग लीजिए, उनकी राय मानिए और उनकी बात मानिए, जो आपको सुझाव देते हैं अगर उनकी बात मानेंगे तो बड़े बड़े विरोधी ध्वस्त हो जाएंगे। और ये भी ध्यान रखें कि जब कोई नया कार्य कर रहे हैं तो आज अपने पिताजी का या अगर कोई गुरुजी हो, गुरुजन हो, उनका जरूर आशीर्वाद लें, आपके लिए अच्छा रहेगा। और एक काम और कर सकते हैं कि आज आप अपने पर्स में लाल रंग का कोई चीज़ रख लीजिए, लाल रंग का जैसे फूल रख लीजिए, आपके लिए अच्छा, गुलाब का फूल लेके चले आपके लिए अच्छा रहेगा। और आपको सावधानी क्या बरतनी है, अपने समय का सदुपयोग करें, पॉजिटिव सोचें, निगेटिव सोचने की जरूरत नहीं है। और आज आपको उपाय क्या करना है, उपाय ये करना है कि आज मंदिर में जा करके और अपने भार जितना आपका वजन है अगर मंदिर में अन्न दान करते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा। और शुभ अंक 4 है, शुभ रंग पीच कलर है और आपका जो लक मीटर है वो 7 है। हरे कृष्ण।